हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखे सब कुछ में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे यूट्यूब ब्रांडिंग के बारे में। फ्रेंड्स, यूट्यूब ब्रांडिंग को सेट कैसे किया जाता है, आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रांडिंग होती क्या है। फ्रेंड्स, जब आप किसी कंपनी का लोगो देखते हो या फिर फेसबुक, व्हाट्सअप या गूगल क्रोम का लोगो देखते हो, तो आप तुरंत देखते ही पहचान लेते हो कि ये किस चीज़ का लोगो है। ठीक इसी तरीके से यूट्यूब आपको फैसिलिटी देता है कि आपके वीडियोज की भी एक अलग से पहचान बन सके, तो उसी के लिए यूट्यूब आपको यूट्यूब ब्रांडिंग के लिए ऑप्शन देता है। फ्रेंड्स, ब्रांडिंग के लिए आप किसी फोटो, लोगो या फिर किसी ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बाद में आपके वीडियोज पर दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम कैसे सेट करेंगे, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो उसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने यूट्यूब चैनल पर लॉग इन हो जाइए और जो आपने अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोफाइल फोटो लगाया है इस तरीके का, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा YouTube स्टूडियो, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड, इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप स्किप पर क्लिक कर दीजिए और इसे स्क्रॉल डाउन करके इस तरीके से गो टू लेजेसी क्लासिक पर क्लिक कर दीजिए। अब आपका YouTube का क्लासिक वर्जन खुल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है चैनल, जब आप इस पर क्लिक करेंगे इसके नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर लिखा दिखाई दे रहा है ब्रांडिंग, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड ए वाटरमार्क के नाम से, आपको उस पर क्लिक करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप जो फाइल अपलोड करेंगे उसकी टर्म्स एंड कंडीशन इसने यहाँ पर दे दी है। पहला, आपकी इमेज का जो फॉर्मेट होगा वो PNG या फिर GIF में होना चाहिए। आप यहाँ पर JPEG फॉर्मेट में भी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। दूसरा, फाइल का जो साइज होगा वो 1 MB तक ही होना चाहिए, वरना आपकी फाइल अपलोड नहीं होगी। और जो आपकी फाइल का रेशियो होगा वो 150x150 होना चाहिए, यानी आपकी इमेज स्क्वायर में होनी चाहिए। इसके बाद ही आप अपनी किसी इमेज को या किसी लोगो को आप अपलोड कर पाएंगे। इसके बाद आप चूज फाइल पर क्लिक कर दीजिए। अब हम यहां से अपनी फाइल को लेंगे, मैं यहां से ब्रांडिंग इमेज को लेता हूं और ओपन पर क्लिक कर देता हूं। अभी देखो फ्रेंड, यहां पर हमारी इमेज आ चुकी है। इसके बाद आप सेव पर क्लिक कर दें। फ्रेंड्स, अब ये प्रोसेसिंग में थोड़ा सा समय लेगा यहाँ पे। देखिए फ्रेंड, यहां पर हमारी फोटो आ चुकी है। इसके बाद आप सेव पर क्लिक कर दें। अब देखिए फ्रेंड, ये सेव हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डिस्प्ले टाइम, यदि आप इसे कस्टमाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करें। यदि आप इस फोटो को अपनी वीडियो के एंड में दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आप एंड ऑफ वीडियो पर क्लिक रखें। यदि आप इस टाइमिंग को अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप 5 सेकेंड, 10 सेकेंड जो चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं। और यदि आप एंटायर वीडियो पर क्लिक करना चाहें तो आप इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने से ये आपको पूरे वीडियो में दिखाई देगा और उसके बाद आप अपडेट पर क्लिक कर दें। अब देखिए फ्रेंड, ये अपडेट हो चुका है। अब जब भी आपकी कोई वीडियो अपलोड होगी तो ये आपको अपने वीडियोज में दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने चैनल पर यूट्यूब ब्रांडिंग ऑप्शन सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप फोटोशॉप और यूट्यूब के बारे में अच्छे से गाइडेंस चाहते हैं, उन्हें आप अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स, वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर और कमेंट। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो, अगले ट्यूटोरियल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।